हेलो स्टूडेंट, दिस साइड मुस्लिम असलम। दिस इज़ लेक्चर ऑफ डिस्क्रीट स्ट्रक्चर एंड थ्योरी ऑफ लॉजिक्स। टुडे वी विल बी स्टडी अबाउट इनवर्स, कन्वर्स एंड कॉन्ट्रापॉजिटिव। प्रीवियस लेक्चर में आपने क्या देखा था? प्रीवियस लेक्चर में आपने पढ़ा था कॉन्ट्रडिशन एंड कॉन्टीजेंसी। ठीक है, कॉन्ट्रडिशन एंड कॉन्टीजेंसी पे आपको मैंने एग्जाम्पल के थ्रू भी बताया था। आई होप आपको वो अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर आपके माइंड में कोई क्वेरी है तो प्लीज़ उसको मुझसे पूछिए और मैं आपको बताऊँगी। ठीक है, आज हम बात करेंगे इनवर्स, कन्वर्स एंड कॉन्ट्रापॉजिटिव की। जो आपका जो है ये इफ़ देन, ये तीनों कंडीशन के लिए। इफ़ देन मतलब मैंने आपको बताया था इम्प्लीकेशन वाला सिंबल आता है, इम्प्लाइज वाला। देखिए मैंने आपको सिंबल भी लगा रखा है, तो इन तीनों कंडीशन में आपका ये इम्प्लीकेशन वाला सिंबल यूज़ होगा। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ कंडीशनल स्टेटमेंट। इट हैज़ टू पार्ट्स। आपका जो ये स्टेटमेंट है वो टू पार्ट्स में डिवाइड होता है। फर्स्ट पार्ट जो है वो आपका हाइपोथेसिस पी, और सेकंड पार्ट है आपका कंक्लूजन क्यू। ठीक है, कोई भी स्टेटमेंट आपको दिया होगा वो टू पार्ट्स में डिवाइड होगा। इट इज़ डिनोटेड बाय, इसको देखिए डिनोट कैसे करेंगे, पी इम्प्लाइज क्यू। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल दे रखा है मैंने। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू डू योर होमवर्क यू विल नॉट बी पनिश्ड। आपको ये देखिए है, इसमें आपको क्या करना है, पी इम्प्लाइज क्यू करना है। तो आपका पी क्या है, पी है आपका यू डू योर होमवर्क, पी है मतलब है आपका हाइपोथेसिस, और आपका यू विल नॉट बी पनिश्ड आपका कंक्लूजन है, तो पी इम्प्लाइज क्यू। इसी बेस पे आपको इनवर्स, कन्वर्स एंड कॉन्ट्रापॉजिटिव पे वर्क करना है। कैसे इस पे काम करेंगे, ठीक है, देखिए आपका इनवर्स जो है, एन इनवर्स ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट इज़ द नेगेशन ऑफ बोथ हाइपोथेसिस एंड कंक्लूजन। आपके इनवर्स में क्या होता है, ये जो इनवर्स कंडीशन होती है इसमें आपका एक स्टेटमेंट दे रखा होता है जिसमें आपको नेगेशन लगाना होता है दोनों साइड, मतलब हाइपोथेसिस में भी एंड कंक्लूजन में भी आपको नेगेशन का यूज़ करना होगा। इफ़ द स्टेटमेंट इज़ पी देन द इनवर्स ऑफ दिस स्टेटमेंट इज़ क्यू, डैट मीन्स द स्टेटमेंट इज़ नॉट पी देन नॉट क्यू। तो मतलब आपका जो नेगेशन लगेगा दोनों साइड, तो नेगेशन पी, इम्प्लीकेशन नेगेशन क्यू। ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा। तो आपका क्वेश्चन क्या था, आपका एक जो एग्जाम्पल था वो ये था, यू डू योर होमवर्क यू विल नॉट बी पनिश्ड। तो आप कैसे लिखोगे इसको, इफ़ यू डोंट डू योर होमवर्क, निगेशन लग गया तो डोंट आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ दूसरे वाला जो आपका कंक्लूजन है उसमें से क्या हो जाएगा, यू विल बी पनिश्ड। वहाँ था यू विल नॉट पनिश्ड था आपका, यहाँ जाएगा यू विल बी पनिश्ड। तो ये हो जाएगा, इफ़ यू डोंट डू योर होमवर्क यू विल बी पनिश्ड। अब हम देख लेते हैं कन्वर्स। कन्वर्स में क्या होता है, द कन्वर्स ऑफ द कंडीशनल स्टेटमेंट इज कम्प्लीटेड वाई इंक्लूडिंग हाइपोथेसिस एंड कंक्लूजन। इफ़ द स्टेटमेंट इज इफ़ पी देन क्यू देन द कन्वर्स विल बी इफ़ क्यू देन पी, डैट मीन्स द कन्वर्जन विल बी। ठीक है, आपका अगर पी है, पी देन क्यू दे रखा है, तो उसको क्या होगा, क्यू देन पी हो जाएगा। तो आपको पता है ये पी देन क्यू कैसे होगा, पी देन आप क्यू का मैंने आपको कि पी इम्प्लीकेशन क्यू वाला कैसे बताया था, कि इफ़ यू डू योर होमवर्क यू विल नॉट बी पनिश्ड। अब अगर आप क्या करोगे, क्यू इम्प्लीकेशन पी करोगे तो क्या बन जाएगा, यू विल नॉट बी पनिश्ड इफ़ डू योर होमवर्क। देखिए मैंने नीचे करके दिखाया, क्यू इम्प्लाइज पी। तो इसका कन्वर्स में क्या होता है, उल्टा हो जाता है, क्यू पहले आ जाता है, पी बाद में आता है, मतलब आपका कंक्लूजन पहले आ जाता है, हाइपोथेसिस बाद में आता है। ठीक है, ये आपका क्या कहलाता है, कन्वर्स। इनवर्स में आपके दोनों साइड नेगेशन का यूज़ किया जाता है, और कन्वर्स में आपका अपोजिट हो जाता है, कंक्लूजन पहले आ जाता है और आपका हाइपोथेसिस बाद में आता है। ठीक है, इसका ये एग्जाम्पल था। अब हम देख लेते हैं कॉन्ट्रापॉजिटिव। कॉन्ट्रापॉजिटिव में क्या होगा, द कॉन्ट्रापॉजिटिव ऑफ द कंडीशनल स्टेटमेंट इन कंप्यूटेड बाय इंटरचेंजिंग द हाइपोथेसिस एंड द कंक्लूजन ऑफ द इनवर्स स्टेटमेंट। आपका क्या होगा कि आपका इंटरचेंजिंग होगा आपका किसके बीच में, हाइपोथेसिस एंड द कंक्लूजन, इनवर्स स्टेटमेंट। इफ़ पी इम्प्लाइज क्यू देन द कॉन्ट्रापॉजिटिव विल बी इफ़ नॉट क्यू देन नॉट पी, मीन्स आपका अगर क्यू जो क्यू पहले आएगा उसके आगे नॉट लग जाएगा और नॉट पी हो जाएगा। देखिए मैंने एक एग्जाम्पल भी इसके थ्रू दिखाया है आपको। इसका जो सिंबल है, इफ़ नेगेशन क्यू देन नेगेशन पी। ठीक है, तो आपका क्या कंडीशन थी, पहला था आपका इफ़ यू विल बी पनिश्ड देन यू डोंट योर होमवर्क। ठीक है, तो आपका ये क्या हो जाएगा, हमारी जो कंडीशन थी, कंक्लूजन जो था वो फर्स्ट टाइम पहले आ जाएगा और उसके आगे आपका लग जाएगा इफ़ यू विल बी पनिश्ड देन यू डोंट योर होमवर्क। ठीक है, तो डोंट आपका उसमें नहीं था, तो नॉट यू
यू डू योर होमवर्क था तो उसमें डोंट लग गया, और ये था आपका इफ़ यू विल बी नॉट पनिश्ड तो यहाँ हो जाएगा इफ़ यू विल बी पनिश्ड। ये देखिए दो बार विल विल आ गया है, वहाँ पे विल बी पनिश्ड है, ठीक है, उसको सही कर लीजिएगा। ठीक है, ये आपका हो गया कॉन्ट्रापॉजिटिव, आपने देख लिया इनवर्स, कन्वर्स और कॉन्ट्रापॉजिटिव। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में न्यू टॉपिक देखेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू स्टूडेंट।